तो गाइस जो आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये फोटो दिख रहा है या मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मैं वीडियो देख रहा हूँ? तो ना ये फोटो है ना वीडियो, ये गूगल मैप है। गूगल मैप पे मैं 3D व्यू देख रहा हूँ, यानी कि आपको जिस तरीके का आप जिस लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं आपको उस तरीके का दिखेगा। अगर आपका कोई घर है तो आप अपने घर को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आपको ये घर दिखाई दे रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है ना कि आप फोटो या वीडियो देख रहे हैं। नहीं, ये गूगल मैप पे एक नया फीचर है, स्ट्रीट व्यू का एक ऑप्शन है, जिसमें कि आप अच्छे तरीके से अपने घर का लोकेशन एंटर करके देख सकते हो, और आप आगे जाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस साइड जाना है तो ये जाता रहेगा, और एकदम ऐसा लगेगा कि आप हूबहू वीडियो या फोटो टाइप कुछ देख रहे हैं, और आप आगे जाते रहेंगे। इससे क्या फायदा है कि अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे लोकेशन पे कल को जाना चाह रहे हैं, तो आप घर बैठे ही उस लोकेशन का एंटर करके जो एड्रेस होगा एंटर करिएगा, और आपको वहां पे दिखाई दे देगा कि वो लोकेशन कैसा दिखाई देता है। तो आपको एक थोड़ा माइंड में रहता है कि हाँ, कि इस तरीके का लोकेशन दिखाई देगा। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, ये अभी हर जगह पे नहीं है। जो बड़े बड़े एरिया है वहां पे है। अब जैसे मान लीजिए कोई गली है, कहीं गली जाके वहां पे ये ऑप्शन अभी आपको नहीं दिखाई देगा। अगर मान लीजिए किसी गली में आपका घर है तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ, जो थोड़ा बड़ा सा खुला सा रोड है वहां पे आपको दिखाई देगा। और इसका यूज कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गूगल का जो स्ट्रीट व्यू है, गूगल मैप का कैसे आपको यूज करना है, ये देखिए आपको यहाँ पे एकदम हूबहू घर दिख रहा है। पेड़ आपको एकदम ऐसा लग रहा है ना कि ये एकदम हूबहू ऐसा ही घर है जैसा होता है फोटो वीडियो में। ठीक है, तो इसे कैसे यूज करना है मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना गूगल मैप ओपन कर लेना है, और अगर मान लीजिए आपके फोन में ये नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। वैसे आपके फोन में होगा, चेक करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इनबिल्ट रहता है हर एक फोन में। इसके बाद आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको एक नॉर्मल ये व्यू दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आप नॉर्मली देखते होइएगा। इस पर क्लिक करते हैं, और जब सैटेलाइट व्यू करते हैं तो आपको ऊपर से दिखाई देता है, यानी कि ऊपर वाला एरिया जो होता है जैसे सैटेलाइट से जिस तरीके से दिखाई देगा ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब आप अपने घर को इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि आपको ऊपर की साइड से दिखाई देगा, इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं आपको स्ट्रीट व्यू दिखा रहा था, बहुत ही क्लियर वे में आपको वो घर दिख रहा था। ठीक है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कैसे आपको उसका यूज करना है। तो सबसे पहले आपको जहां जाना है वहां का लोकेशन आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। मान लीजिए आपका जहां पे भी घर है वो लोकेशन आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और उस लोकेशन को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन, स्टार्ट, कॉल, शेयर, ये सब आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला, ये आपका स्ट्रीट व्यू का ऑप्शन होगा। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप जहां जाना चाह रहे हैं आपका जो लोकेशन है वो आपके यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो इस पे क्लिक करते हैं सिंपल सा। तो क्लिक करते देखिए आपके सामने ओपन हो जाएगा, और कुछ इस तरीके का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, और इसे आप रोटेट करके भी देख सकते हैं। जैसे पार्क आपको दिख रहा है, एकदम हूबहू ऐसा ही दिखाई देगा। और मान लीजिए कि आपको इस साइड आगे जाके देखना है तो ये इस एरो पे क्लिक करना है सिंपल सा, और जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ऐसे ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपको इस साइड जाना है तो आपको क्या करना है, रोटेट कर लेना है। रोटेट कर लिया, और रोटेट करने के बाद आपको इस एरो पर क्लिक करना है, तो आपको आसपास का जो भी एरिया है वो दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से। देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और यहाँ रोटेट करके यहाँ पे गली मुड़ रही है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा मुड़ जाऊंगा। ठीक है, अब मुड़ने का भी ऑप्शन नहीं आया, मुड़ने का भी ऑप्शन आएगा थोड़ा आगे जाके, तो इस पर क्लिक करिएगा। अभी देखिए यहाँ पे एरो मुड़ गया है ना, और एक इधर चला गया, एक इधर की तरफ चला गया। तो अब हमें यहाँ मुड़ना है तो इधर की साइड मुड़ जाएंगे, और हमारा इस तरीके से रोटेट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो गूगल मैप में 3D व्यू में, यानी कि आपका जो घर के आसपास का जो एरिया है, आप इसे देख सकते हैं। अभी क्या है, हर एक जगह पे आपको स्ट्रीट व्यू देखने को नहीं मिलेगा। बहुत जगह पे सैटेलाइट सैटेलाइट वाला हर जगह व्यू देखने को मिलेगा, लेकिन स्ट्रीट वाला है बहुत कम जगह पे मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि आपके एरिया में स्ट्रीट व्यू है कि नहीं है, ये मैं आपको चलिए बताता हूँ। ठीक है, तो आपको बैक चले आना है। अब देखिए बैक आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू वाली लाइन्स दिख रही है, ये स्ट्रीट व्यू यहाँ पे अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि मैं अगर इन वाले पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे स्ट्रीट व्यू नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस पे क्लिक करते स्ट्रीट व्यू दिखाई देगा। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करते मुझे यहाँ पे लोकेशन आ गया, लेकिन स्ट्रीट व्यू नहीं आ रहा है। इन्होंने जो फोटो अपलोड वगैरह की होगी वो सब आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं ब्लू वाले एरिया पे क्लिक करके दिखाता हूँ, अब जैसे ये ब्लू वाला एरिया है, ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पे सैटेलाइट व्यू नीचे आ रहा है, स्ट्रीट व्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, पार्क है यहाँ पे, रोड है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है,
इससे बेनिफिट यही मिलता है आपको कि अगर आप किसी लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी कॉलेज या कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आपको लोकेशन पहले से पता रहता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई कॉलेज डाल देता हूँ और देखता हूँ वहाँ का लोकेशन कैसे दिखता है। अब मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे कॉलेज एंटर किया है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ इसका जो स्ट्रीट व्यू है। तो स्ट्रीट व्यू देखने का फायदा ये कि मुझे यहाँ पे गेट दिख रहा है, यहाँ पे कैसा मेट्रो पिलर है, ये सब पहले से मुझे आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप गूगल मैप का यूज करके आप स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं, आप अपने घर के आसपास का लोकेशन देख सकते हैं गूगल मैप में। और आपके घर के आसपास का लोकेशन स्ट्रीट व्यू में शो कर रहा है या नहीं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।